देखिए, बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस का ही शासन रहा और 10 साल तक तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, तो तब तो कुछ किया नहीं। अब याद आने लग गया, अगर उस टाइम का आप चेक देखोगे, अभी कल परसों भी किसी ने फेसबुक पे चेक डाल रखा था, 6 रुपए का चेक था और एक एक दो दो रुपए के चेक पता नहीं कितने किसानों को है। जितना पैसा हमने दिया और इन 8.5 साल में जितना पैसा हमने दिया, वो इनके मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। यानी कि इनका जो पैसा था वो 1300 कुछ करोड़ है 10 साल में, और महाराज जो 8.5 साल का पैसा है वो 9000 करोड़ से ज्यादा है हमने जो पैसा किसान को दिया। तो इन्होंने किसान कभी चिंता नहीं की, इनकी तो बयानबाजी है कि हम किसान के लिए ये करेंगे, किसान के लिए वो करेंगे, कभी कोई चिंता नहीं की। ये ऐसी सरकार है जिसने हमेशा किसान की चिंता की। जहां खरीद की बात है तो इन्होंने 3 फसलों से ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, या तो इन्होंने धान खरीदा, गेहूं खरीदा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदा, और तीसरा गन्ना। लेकिन हमारी सरकार ने 10 से ज्यादा फसलें खरीदी। हमने बाजरा और सरसों जैसी जो बड़ी फसलें हैं वो खरीदी, ये कहीं दिखाई नहीं सकते कहाँ बाजरा खरीदा इन्होंने, कहाँ सरसों खरीदी इन्होंने, वो कुछ नहीं करा। लेकिन हमने उसको खरीदा और अच्छा किसानों को रेट मिला, और भी फसलें हैं जो हमने खरीदी। सूरजमुखी में आप देख सकते हैं कि सारे देश में जो है वो 4000 से ऊपर कहीं किसान को नहीं मिला, केवल हरियाणा ऐसा है जिसने 6000 रुपए किसान को दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।